ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलरामपुर जिले के धनेशपुर बांसा नदी का पुल टूट जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों की गुहार के बाद भी जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं बलरामपुर जिले के धनेशपुर गाँव की। यहाँ पिछले साल हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बांसा नदी पर बना पुल टूट गया था। इसकी वजह से ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों के मुताबिक बारिश के मौसम में नदी जब उफान पर होती है तो इस गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट जाता है। 2018 में टूटा है पुल और ये दो ठे पंचायत है, 10-12 मतलब गांव है। हम लोग आने जाने के लिए मतलब बहुत परेशान है, कुछ भी जाने के लिए बाढ़ के कारण टूटा है सर। बांसा नदी है और ये मतलब कि रपटा पुलिया बनने के कारण मतलब कि परेशानी हो रही है। ये पुलिया मतलब कि बीते साल टूटा और बीमार पड़ जाते हैं तो आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं इस मामले में जब एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच कराने की बात कही। ये आपके माध्यम से अभी तो संज्ञान में आ रहा है, इसको हम सीओ साहब के माध्यम से चेक कराएंगे और जैसे जरूरत होगी उसके हिसाब से उच्चाधिकारी को अवगत कराकर उनके ग्रामीणों की मांग को पूरा। पुल टूटे एक साल से ज्यादा हो गया है, ग्रामीण अधिकारियों से भी पुल बनाने की गुहार लगा चुके हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बांसा नदी पर फिर से पुल बनाने की मांग कब पूरी होती है। उपेश सिन्हा, न्यूज 18 बलरामपुर।